गाइस हम लोग अब निकल रहे हैं भोपाल से इंदौर के लिए बाइक पे 200 किलोमीटर का राइड और तैयार हो गए हैं, बस अब निकलने का। गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं रूम से अपने और अब हम लोग कॉलेज का गेट पार कर रहे हैं और अपना इंदौर का ट्रिप शुरू होता है यहाँ से। टोटल 200 किलोमीटर का रोड ट्रिप, फ्यूल भी नहीं, आप देख सकते हैं फ्यूल भी लेना है। उसके बाद फिर हम लोग सटासट निकलेंगे। अभी तो राइड शुरू हुई है, करीब करीब 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, पहुंचेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ा के चलना नहीं है, रुकते रुकते बढ़िया आपको सीन दिखाते दिखाते चलेंगे। और भोपाल को कुछ दिनों के लिए गुड बाय करते हैं, एग्जाम्स देने आएंगे। ये अपना पीपल्स मॉल, बाय पीपल्स, हमारा काफी मूवीज देखे हैं यहाँ पे हमने अपने मॉल में, फिर लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो हम लोग हैं फ्यूल स्टेशन पे, फ्यूल भरवाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। पेटीएम में पे कर दूँ पहले मैं। तो हम लोग निकल गए हैं और ये फ्यूल स्टेशन, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेमेंट वगैरह फंस गया था तो अब हो गया क्लियर। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग, तो ये फ्यूल ले ले पहले अपने पेगासस में। वो मशीन खाली नहीं मिला, वहाँ लगा रहा तो बुरा लग गया, तो गया तो मैं बड़ा घर लाया, वो मशीन खाली नहीं हो रहा है पेमेंट चला गया। ठीक है तो गाइस हम लोग निकल गए हैं फ्यूल लेके अपनी गाड़ी में। सफिशिएंट फ्यूल है, अराउंड 1-3-5 कांटे आ गए हैं और अभी टाइम नहीं, आप देख सकते हैं 1:31 हो रहा है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि शादी थोड़े दिनों से धुली नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अब वहाँ चलेंगे इंदौर, वहीं पर धुलवा लेंगे गाड़ी को भी। और हमारे टैंक में हमने फ्यूल लिया है 685 का, जो कि आया है 6.39 लीटर्स एट द रेट ऑफ 107। महंगा है पेट्रोल, लेकिन अगर ट्रेन से अगर हम लोग चलते गाड़ी लेके तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। और क्या है कि रोड का मज़ा ही अलग है, 4 घंटे ट्रेन में भी लग रहे हैं, 4 घंटे बाइक पे भी, और हम लोग अब निकल जाएंगे बाइक पे ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मज़ा ही मज़ा। सेफ्टी गियर्स हैं अपने पास, शूज़ हैं, मास्क है, हेलमेट है, और अपने पास आप देख सकते हैं अपन ग्लव्स भी पहने हुए हैं। सेकंड वाला नहीं पहना, वो भी मैं पहन लूँगा आगे चलकर। अभी निकले हुए हमें हो गया है करीब 5 किलोमीटर हुए होंगे, बस हम लोग एयरपोर्ट वाले रूट को पकड़ते हुए निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है अपना मैप देखेंगे, मैप के हिसाब से चलेंगे। और शाम तक उम्मीद है कि अंधेरा होने से पहले हम पहुंच जाए, और बाकी तो फिर देख सकते हैं लोग बाद में। चलिए आपको थोड़े थोड़े देर में मिले। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं ये 1.6 लेन हाईवे पे, कोई दिक्कत, बढ़िया रोड है यहाँ से। ये एयरपोर्ट है, आ करके अपने को चलना है, जरूर रहे धीरे धीरे, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएंगे, अराउंड अपन 50-60 के अराउंड पे चलेंगे आराम से, हड़बड़ी नहीं है अपने को जाने का। आधे घंटे लेट पहुँचेंगे लेकिन सेफ पहुँचेंगे। तो चलिए गाइज आप लोग को धीरे धीरे आगे मिलते रहेंगे। और क्या, हम लोग भोपाल बाईपास छोड़ चुके हैं, सामने एक टोल है और टोल पार करके फिर हम लोग निकल रहे हैं आगे। करीब करीब अभी हम लोगों ने अराउंड, मैं बात करूं अपना तो करीब 15 किलोमीटर अभी ट्रैवल किया है। हाईवे अभी पीछे मेन आप देख सकते हैं, पीछे मेन वो ओवरब्रिज पार हो रहा है, अपने को सामने जाना है, तो चलते हैं स्ट्रेट। और गाइज इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो गाइज अभी हम लोग को निकले हुए भोपाल से हो गया करीब करीब 40 किलोमीटर, और अब यहाँ से इंदौर वाला तो बोर्ड फटा हुआ है तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अपने को सीधा जाके राइट मारना है और अपने इंदौर वाले रोड पे अपन निकल जाएंगे। करीब करीब 3 घंटे और बता रहा है टाइम। हम लोग अभी सीहोर पहुँचने वाले हैं और आपको रास्तों का नज़ारा दिखाएंगे अभी आगे। और चलिए कंटिन्यू रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा। हाईवे है NH 86 है जिससे हम लोग इंदौर निकल रहे हैं। NH 86 पकड़ के अपन निकल चलेंगे। Continue on National Highway 86 for 8 kilometers. अभी हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके हैं। करीब करीब हम लोगों ने अभी 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिया होगा और सीहोर पार किया जस्ट अभी हमने। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कॉल वॉल कर लेते हैं। मैंने अभी तक कॉल भी नहीं किया तो कॉल कर लेते हैं। और बाल ख़राब हो गया हेलमेट पहनते ही, आपको तो पता ही है अपन ट्रैवल करते हैं तो हेलमेट ज़रूरी है। बाल कुछ भी हो जाए हेलमेट की मांग है। कॉल किया जाए और एक दो फोटोज़ लिया जाए अपने चैनल के लिए, सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो यहाँ आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए उसमें भी। और ये अपना ये हाईवे जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे मिलते रहेंगे। आप सीन देखें यहाँ पर क्या मस्त पूरा एकदम ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। और ये हमारा ये सामान जिस लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, ये बैग अपने कंधे पे है, ये अपने सारे गियर्स, मास्क, हेलमेट, हैंड ग्लव्स। और ये अपना रास्ता देवास आगे दिख रहा है मुझे, 116 किलोमीटर का अपना लगा हुआ है इंडिकेशन। और एक दो कॉल करने के बाद हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं बस।
50-60 किलोमीटर और बचे हैं, तो एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पर। थोड़े देर में अब देवास पहुँच जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कमर उमर सीधा कर ले इसलिए रुक गए थे। अब यहाँ से 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर निकल जाएंगे। गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देवास और मुड़ चुके हैं अभी इंदौर के लिए, और यहाँ पीछे से हमने टर्न लिया है, और अगर हम लोग पीछे की तरफ सीधा निकले तो वो पड़ेगा अपने को उज्जैन। यहाँ से अपने को इंदौर और बच रहा है करीब 35 किलोमीटर्स। अभी बज रहे हैं 4:21, तो उम्मीद है 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, बस कहीं थोड़ा बहुत जाम ना मिले, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर गोइंग प्रीटी नीटली एंड स्लोली वी आर रीचिंग इंदौर। सो एज ऑफ नाउ, और सनसेट हो रहा है अभी यहाँ पर सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो चल रहे हैं। अभी ये अपना 6-lane हाईवे फिर शुरू हुआ है, अभी तक तो 4-lane चल रहा था, तो चलिए। ये इधर हो रहा है अपना ब्यूटीफुल सनसेट, और ये हम लोग सीधा निकल रहे हैं इंदौर, और अगर हम लोग पीछे से आ रहे हैं उधर अगर सीधे चले जाएं तो उज्जैन। तो चलिए चलते हैं इंदौर की ओर। तो गाइज ये है सिप्रा नदी इंदौर की, हम लोग इंदौर एंटर हो चुके हैं, और अपने को थोड़ा सा टाइम और लगेगा पहुंचने में। टाइम अभी हो चुका है 4:40 और सनसेट होने वाला है कुछ देर में, तो हम लोग अब जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, अपना यही काम है अभी। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में, और मैं फ्रेश होने में थोड़ा सा बिजी था, तो फ्रेश होके जस्ट अभी आया हूँ बेड पे, और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे थोड़ा सा हम लोग बाहर, तो आपको नाइट का भी दिखाएंगे इंदौर में, और हमारे कैलकुलेशन किया मैंने तो टोटल 194 किलोमीटर्स हमारे भोपाल वाले रूम से इंदौर वाले रूम के लिए, और हमारा तेल में कुछ 4.5 लीटर तेल खर्च हुआ है, तो एवरेज तो हाईवे पे काफ़ी अच्छा मिला हमें, तो उम्मीद नहीं था मुझे, लेकिन काफ़ी बढ़िया एवरेज मिला है हाईवे पे अपने बाइक में, तो करीब करीब 44-42 के आसपास का है बीच के एवरेज में गाड़ी चला है, तो मुझे आज तक इतना नहीं मिला, सही बता रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे फिर चलेंगे बाहर इंदौर में, आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो अगर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कुछ सजेशन हो वीडियो के बारे में, या कुछ नए तरीके से हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं, या कुछ भी हो सजेस्ट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो कमेंट में, आपका मैं देखूंगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज हम लोग वीडियो को यहीं पर जल्दी से रैप अप करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग, और इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा साइड में, आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और वहाँ भी फॉलोअर बढ़ाओ यार। चलो तो गाइज अभी हम लोग हैं इंदौर के सड़कों पे, यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है कुछ, वर्ल्ड बोल रहा हूँ मैं, इंडिया इज क्लीनेस्ट सिटी है, नंबर 1 रैंक मिला है इस बार उसे, इसे मतलब ऐसे ही लगभग हमेशा मिलता है यही। चल रहे हैं, एक दो काम करने हैं वो कर लेते हैं,